शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं आज का कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1835 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और चांदी भी 23.2 डॉलर पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि चांदी में हल्के सा लाल निशान है, लेकिन जो कीमतें हैं कल वाली ही देखने को मिल रही हैं, ना ही ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है, ना ही ज़्यादा मंदी। तो आज गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सी वी पर। ये सर भाई, बात करेंगे कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि कीमतें थोड़ी लुढ़की है, प्रॉफिट बुकिंग भी है और दूसरा यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उस पर भी काफ़ी निवेशकों की नज़रें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, अगर डील हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या कच्चे तेल की कीमतें यहाँ से गिर सकती हैं? जहाँ तक बात है कच्चे तेल के अंदर भी, अभी जो है यूएस के और ईरान के अंदर न्यूक्लियर के ऊपर टॉक चल रहा है, उसको लेकर अभी इन्वेस्टर्स की नजरें उस पर रहेंगी। अभी आगे क्या निकलकर सिनेरियो आता है, लेकिन फिलहाल के लिए कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली दिखा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन घरेलू बाजारों में अभी भी पॉजिटिव है मार्केट और एक्सपायरी भी करीब है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है 700 से 800 के कारोबार के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इंट्राडे में हल्की करेक्शन आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है जी। ये सिर्फ जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं आज अच्छा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.6 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन आधे फीसदी की करेक्शन भी है और एमसीएक्स पर भी देख रहे हैं कि जो बेस मेटल्स हैं ठीक ठाक लेवल्स पर आज खुलते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आज इंटरडे में बेस मेटल्स में शानदार तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बेस मेटल में बिल्कुल अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है और ये कॉन्टिन्यूशन में रह सकता है। अभी कॉपर देखिए 775 रख लिए, काफी लंबे टाइम के बाद हमने कॉपर को 707 के ऊपर जाते हुए देखा है। लगातार हम एक्सपेक्ट करते आ रहे थे कि 780 का टारगेट देखने को मिल सकता है और अब मुझे लगता है कि 780 का टारगेट अचीव हो सकता है। साथ साथ अगर 780 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो एक अच्छी तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो कॉपर को 800 से 820 तक ऊपर ले जा सकती है। तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स का। निकल में भी निचले स्तरों से वापस से रिकवरी आई है और 1700 से 1770 की रेंज में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में बाइंग में ही रहना चाहिए, जो भी करेक्शन आए उसमें हमेशा बाइंग करके चलिए। आने वाले टाइम में बेस मेटल में एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप आज के लिए, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है नॉन एग्री में? देखिए, नॉन एग्री में अगर देखा जाए तो आज इंट्राडे में बेस मेटल्स में ही बाइंग करके चलना चाहिए और गोल्ड में भी करेक्शन के अंदर बाई करके चला जा सकता हूँ जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज की। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।